हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ वैल्यू, इरोजन ऑफ वैल्यू। फिर आपका इसमें एक टॉपिक रह जाएगा, वो भी मैं आपका कवर अप करवा दूंगी जल्दी ही। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सोर्सेज ऑफ वैल्यू, देखिए सोर्सेज ऑफ वैल्यू से क्या मतलब है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें एक तरह से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है, ठीक है। उस बिहेवियर के लिए आप कुछ वैल्यूज़ को सीखते हो, बट वो सीखते किससे हो? सो वैल्यूज़ ऑफ पीपल हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। वो वैल्यूज़ आप सोसाइटी से ही सीखते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इन पर्टिकुलर देयर आर फोर सोर्सेज ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन इन एनी सोसाइटी। दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, पीयर्स एंड कलीग्स एंड वर्क एंड करियर, ठीक है। तो ये फोर मेन हमारे हम इसमें कैटेगरीज बना सकते हैं। जो मैंने कल एक वीडियो करवाई थी वैल्यूज़ की ही, पहले इससे पहले जो वीडियो करवाई थी उसमें भी मैंने सोर्सेज बताए थे, वो एक जनरल सोर्सेज थे, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन कंसेप्ट से भी बनाया है कि आप इसे से फोर बनाकर आप इसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। इसे आप पहले आप वैल्यू की डेफिनेशन दे दीजिएगा, मेरी कल वाली वीडियो में है, आपको पूरा डिटेल में है। उसमें जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो उस अकॉर्डिंगली आप उस वीडियो में से कंटेंट उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वैल्यू की डेफिनेशन दीजिए, उसके फंक्शंस दीजिए और फिर अपना शुरू कर दीजिए सोर्सेज को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है? आप देखिए, देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन द सोसाइटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो फोर मेजर इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड द बेसिक सोर्स ऑफ वैल्यूज पर पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं? फैमिली, स्कूल, स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। ये चार ही हमारे बेसिकली हम कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? देखिए, जब भी एक बच्चा पैदा होता है, बर्थ लेता है, तो सबसे पहले वो अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को देखता है, जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे वो कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे दादी कह देती है ना कि ये तो भी अपने चाचा पे गया है, ये अपनी बुआ पे गया है, ये अपनी माँ पे गया है, ये अपने बाप पे गया है, है ना। तो वो कुछ ना कुछ हर एक से सीखता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा फैमिली से स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके अपने बच्चों, अपने साथ के बच्चों को देखता है, अपने एज के बच्चों को देखता है। घर में बच्चा खाना नहीं खा रहा, बट वहाँ पे प्ले वे में या स्कूल में बच्चा खाना खा के आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अपने साथ के बच्चों को खाते हुए देखता है, अपने टीचर्स को देखता है, वो किस तरह से क्या उनका वे ऑफ कंडक्ट होता है, क्या उनका अपीयरेंस, वो क्या अपीयर करके आते हैं, है ना। तो उसका उन पर फ़र्क पड़ता है। स्टेट के, उनके स्टेट के अंदर किस तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्या उनके स्टेट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं, क्या लैंग्वेज बोला जा रहा है, क्या चीज़ वहाँ की फेमस है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो सीखते हैं। रिलीजन, कि जिस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं या कुछ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें कि वो अपने आप ही सीख जाते हैं किस तरह से उनको वर्शिप करनी है, किस तरह से उनको उनके अपीयरेंस होती है उनके रिलीजन में, उनके स्टेट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती हैं, वो अपने आप सीख जाता है। फैमिली में वो खाना खिलाना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर होती हैं, अदरवाइज़ वो अपने आप ही सोसाइटी से सीख जाता है। सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन बाय दिस इंस्टीट्यूशन इज दैट दे प्रिस्क्राइब व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर एन इंडिविजुअल, कि एक पर्सन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोसाइटी अपने आप ही बना देती है। सो गुड बिहेवियर इज़ रिवॉर्डेड एंड बैड बिहेवियर इज़ पनिश्ड, कि अगर कोई चोरी चपट्टी करेगा या झूठ बोलेगा तो उसको पनिशमेंट ही तो मिलेगी ना। तो ये चीज़ें भी हमारे घर से ही शुरुआत करते हैं कि अगर बच्चे ने झूठ बोला है तो उसको पनिशमेंट दी जाए, अगर उसने अच्छा बिहेव किया है तो उसके लिए क्लैपिंग करवाई जाए या फिर उसको कुछ ट्रीट दी जाए, कुछ टॉफी चॉकलेट या किसी भी तरह से रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज वेदर और नॉट दे आर रिटन डाउन। अब देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो उनके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स बताते हैं या वो खुद ऑर्गेनाइजेशन में जब जाने लग जाते हैं तो 1 मंथ में उनको सारा पता चल जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का वे क्या है, ठीक है, उनके वैल्यूज़ क्या है। सो द वैल्यूज़ गाइड द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स एक्शंस। राइटिंग डाउन अ सेट ऑफ कॉमनली हेल्ड वैल्यूज़ कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन इट्स कल्चर एंड बिलीव्स।
So when members of the organization subscribe to a common set of values, the organization appears united when it deals with various issues. अब देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन काम कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन लोन्स भी आते हैं, तो जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर्स को समझती है, ठीक है. सो दे हैव टू गिव द टाइम. वैल्यूज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंट्स प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. नेक्स्ट इज पीयर्स एंड कलीग्स. अब देखिए, आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने पीयर्स, अपने कलीग्स के साथ स्पेंड करते हो, राइट. तो उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो बिलीफ है, जो एटीट्यूड है, वो आप कई बार तो आप चाहते नहीं हो सीखना, बट फिर भी आप में वो इम्पैक्ट करने लग जाता है. जैसे आप बात करते हो ना कि भाई तू तो उसके जैसे बोलने लग गया, तो उसी की भाषा बोल रहा है, ये इस तरह से आप पे इम्पैक्ट करते हैं. सो एन इंडिविजुअल गेट्स क्ल्यू ऑफ बिहेवियर फ्रॉम हिज पीयर्स एंड कलीग्स. ही ड्वेल्स एंड अप्लाइज बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीयर्स एंड कलीग्स विद होम ही और शी इज एसोशिएटेड. सो इन द केस ऑफ वैल्यूज, द इंडिविजुअल फील्स एन इनमेट इन्वॉल्वमेंट विद अ नंबर ऑफ पीपल. आपको इन्वॉल्वमेंट तो करना ही पड़ेगा ना. अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे या किसी को अपने अंदर इन्वॉल्व ही नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे उनके साथ बिहेव कर सकते हो, या कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल को आपकी हेल्प करेंगे. सो अ नेशन, अ सोसाइटी और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ वर्क ग्रुप. अगर आप अकेले ही रहोगे तो आप एक ईगोइस्ट पर्सन की कैटेगरीज में आ जाओगे, दैट इज़ नॉट गुड. वैल्यूज स्ट्रेंथन, प्रोटेक्ट एंड सॉलिडिफाई अ गिवन ग्रुप. Therefore, the individual tries to follow that group norm of behavior. Next is work and career. कि आप जिस work में हो, जिस field में हो, उसके कुछ rules होते हैं, वो जब आप उसकी practice करते हो तभी आपको आ जाते हैं. So, work consists of the task or representatives associated with a particular job or position in an organization. Work is organized, directed, controlled and entrusted to individuals willing to become employees. सो एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूट हिज और हर करियर. जब आप एक काफ़ी टाइम के लिए एक प्रोफेशन करते हो तो वो आपका करियर बन जाता है. सो वर्क एंड करियर क्रिएट स्पेशल वैल्यूज. तो आपको उस करियर के, उस वर्क के जो भी नॉर्म्स हैं वो आपको इमिडिएटली वो आपको आ जाते हैं और आप उनको फॉलो करने लग जाते हो. सो देयरफॉर ईच वर्क विल हैव इट्स ओन वैल्यूज एंड पर्सन्स परफॉर्मिंग द वर्क विल फॉलो दोज वैल्यूज. For example, in an organization, sales people, accountants and engineers will have different values according to their specialties. Next is erosion of values. अब देखिए, erosion of values क्या होता है कि हमने अभी values पढ़ ली, उसके functions पढ़ लिए, sources पढ़ लिए, लेकिन उस values का erosion हो रहा है. कैसे हो रहा है कि आप अच्छा तो behave कर रहे हो, but आप अंदर से एक अच्छे इंसान नहीं रहे. इरोजन ऑफ सोशल मॉरल कल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वैल्यूज एट ऑल लेवल्स. हर लेवल पे होता है ये. हर लेवल पे झूठ भी बोलते हैं और ऊपर से हंसते हैं, ठीक है. और वो मतलब उनके जैसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे छुरा घोंपना, कि मुंह पे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं बट अंदर ही अंदर उनका कोई काम बनने नहीं देते हैं. सो द इरोजन वैल्यूज हैज़ टू द स्प्रेड ऑफ सेल्फिशनेस, अनलिमिटेड ग्रीड, लालच, ब्राइबरी, करप्शन, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, ग्रोस इनजस्टिस, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज, अब हम देखेंगे किस किस तरह से इरोजन होता है. सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, एक दूसरे से बिहेव अच्छा करना पड़ता है, या फिर अगर आपको एक सोसाइटी में रहना है तो एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एक दूसरे से कॉपरेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपनी हेल्प, आपको जब हेल्प की जरूरत पड़ती है, You can go, but if anybody else wants help from you, that time you are not available. That is the erosion of social value. So caste system, देखिए caste system एक सबसे बड़ा एक reason है social values के erosion का. Because आप अपने caste के person को तो help करते हो but दूसरे को नहीं करते हो, जो needy है. So caste system is prevailing in the society. It is providing a serious obstacle to social progress and the establishment of a dramatic society. सोसाइटी इज फ्रेगमेंटेड इन टू स्मॉल यूनिट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द कास्टिज्म. अब देखिए, जब कास्टिज्म सिस्टम है तो उसी के बिहाफ पे सोसाइटी आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है. छोटे टुकड़े इन द सेंस कि छोटी छोटी सोसाइटीज में बटी होती है. जैसे एक शहर है, उस शहर में डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी होती हैं या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ बने होते हैं, जहाँ पे एक ही लैंग्वेज के या एक ही कास्ट के, एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ लिंगुलिज्म, प्रोविनिज्म और कम्युनलिज्म. सो इट रिजल्ट्स इन कॉम्युनि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन.
देखिए ऑर्गेनाइजेशन कब होगी, जब एक पर्सन जहाँ भी रहना चाहता है वहाँ पे घर ले सकता है अपनी पसंद के एरिया में, बट बिकॉज ऑफ द कास्टिज्म, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेजिज्म और कम्युनलिज्म, दे हैव टू टेक अ हाउस इन दैट सोसाइटी ओनली, दैट इज नॉट द ऑर्गेनाइज सोसाइटी, है ना. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डिसऑर्गेनाइज मैरिजेस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द डाउरी. अब जहाँ पे दहेज प्रथा आ जाती है वहाँ पे भी सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है. तो इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट एंड चेंजेस इन द फंक्शंस ऑफ द फैमिली. पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर मनी माइंडेड एंड मटेरियलिस्टिक, उनके लिए मटीरियल ज़्यादा वैल्यू करता है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं, एक ह्यूमन बींग नहीं, मटीरियल्स की वैल्यू रहती है, वो मनी माइंडेड हो गए हैं. जहाँ पे उनको मनी दिखती है वहाँ पे वो रेडी हो जाते हैं, और जहाँ पे मनी नहीं है वहाँ पे वो काम करने को रेडी नहीं है. दैट इज़ द हीरोइज़म ऑफ सोशल वैल्यू. देर इज ग्रोस वायोलेशन ऑफ सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल कंडक्ट विच रिजल्ट्स इन सोशल इनडिसिप्लिन. सॉरी, बिकॉज ऑफ सोशल इनजस्टिस बिहेवियर पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड. अब देखिए, जब जहाँ पे इतना सोशल इनजस्टिस होता है ना, वहाँ पे कोई भी पर्सन हो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है. उसको मतलब वो खुश नहीं रह पाता उस तरह से, वो खुश रहने के लिए फिर छुट्टियों पे जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, कि आपका जो कल्चर था उसको आप भूल गए हो ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ LPG. LPG इज LPG की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. LPG की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो, आप अपना गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के अंडर सेक्टर्स आते थे आप उनमें अपना प्राइवेट कर सकते हो, आप प्राइवेट स्कूल खोल सकते हो, आप ग्लोबली काम कर सकते हो. सो दे आर चेंजेस नॉट इन अवर थिंकिंग, हमारी सोच नहीं बदली, बट हम दूसरों को देख देख कर अपना कल्चर भूल रहे हैं, ठीक है. हम कहने को मॉडर्न हो गए हैं, बट मॉडर्न के चक्कर में हम अपने वैल्यूज ही भूल गए हैं जो हमारे कल्चर की पहचान थी. सो नॉट इन अवर ड्रेसिंग सेंस, बट अवर कल्चर वैल्यूज हैव बीन अफेक्टेड वे फ्रॉम ईटिंग, टॉकिंग, लिविंग, फैशन, एंड नाउ वी आर प्राउड ऑफ आउट पॉप एंड शो इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन. जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में शो ऑफ इतना ज़्यादा करते हैं, बट हमारे जो कल्चर वैल्यूज़ हैं हम उनको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं. वी नेवर यूज टू हर्ट एनीवन, नॉट इवन एनिमल्स, बट नाउ बींग नॉन वेजिटेरियन अ स्टेटस सिंबल. आजकल अगर कोई पूछे ना कि आप नॉन वेजिटेरियन हो या नहीं, तो मतलब ये इस चीज़ में भी हो जाता है कि हमें नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा, बिकॉज फॉर अ सोसाइटी सिंबल, स्टेटस सिंबल. सो दिस इज द इरोजन ऑफ कल्चर वैल्यूज. वी लाइक, वी स्टील, वी डोंट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी डोंट गिव टाइम टू देम, वी टॉक लूज, वी डू करप्शन एंड ईजिली प्ले ब्लेम गेम्स. हम करते हैं ये, झूठ भी बोलते हैं, बेइज्जती भी करते हैं दूसरे की, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है. गेम्स भी खेलते हैं, मेरे नोट्स पढ़ते हो बट लाइक नहीं करते हो, राइट. तो भी करके जाया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो ना जब मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हो तो. सो वी मस्ट अगेन स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट इरोजन ऑफ कल्चर वैल्यूज, सो दैट अवर कमिंग जनरेशन कुड लर्न एंड बी प्राउड ऑफ दैट लेगेसी विच वॉज वंस अवर प्राउड, जिसपे हमें पहले प्राउड होता था ना, उसके ऊपर. नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. देखिए, हमारी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, ह्यूमन बींग से ही होगी, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही होगी. बट वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अन इंटेलिजेंट एंड रॉन्ग यूज ऑफ द पावर, विच इज़ द इरोजन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. वेन एवर वी आर मेकिंग रॉन्ग यूज़ ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ द इरोजन ऑफ दैट, ठीक है. सो जब हम अपनी पावर का मिस यूज़ करते हैं, दैट कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर ह्यूमन रेस and other forms of life on earth. Advancement of science and technology has given birth to cutthroat competition. जितनी science बढ़ी, जितनी technology बढ़ी, उतना ही competition बढ़ा, materialism बढ़ा, barbarism बढ़ा, ठीक है. With emergency of materialism, man has become a machine. आदमी machine बन गया, इतना busy हो गया कि उसको अपने अपना honesty जो थी, या उसको जो values थी, अपनी family values थी, patience थी, वो सब ख़त्म हो गया. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जितनी इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ की है, जितना अर्बनाइजेशन बना, अर्बनाइजेशन होने से क्या हुआ, लोग गांव छोड़कर, जो गांव में जॉइंट फैमिली रहती थी, या घरों शहरों में भी जॉइंट फैमिलीज रहती थी, सेपरेट सेपरेट घर बनाने लग गए, फैमिलीज बिखर गई. धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपने फैमिलीज में बातें करनी कम कर दी, तो उससे क्या हुआ, आपकी इकॉनमी तो डाउन ही गई ना. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैज़ गिवन
birth to commercial outlook to life in its varied manifestation. The traditional joint family system is disappearing and the single family system is increasing. रीजन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज. अब पॉलिटिकल में तो भाई ये हो गया कि हर कोई अपना ही सिक्का आगे रखना चाहता है, उसको जनता से, जनता की ज़रूरतों से कोई मतलब नहीं है. सो देर इज़ लैक ऑफ ट्रू लीडरशिप. पॉलिटिकल लीडर्स आर मोटिवेटेड बाय द पार्टी पॉलिसीज. मैनी हाई अप्स इन द पॉलिटिकल सर्कल्स डू नॉट डिजर्व द रैंक बट दे कंटिन्यू होल्डिंग इट शेमलेसली. उनको पता है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं बट स्टिल वो पावर में है, शेमलेसली है, या किसी को काम करते हुए देखना नहीं चाहते. उनके हर काम के ऊपर उनको इशू क्रिएट करना है, इशू बनाना है, उनको काम करने ही नहीं देना. अगर करें तो भी दिक्कत, नहीं करें तो भी दिक्कत. ऐसे भी लोग पॉलिटिक्स में बैठे हैं. सो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सप्लॉइट द मासेस टू अचीव देयर नैरो सेल्फिश एंड्स. नेशनल इंटरेस्ट आर सेक्रीफाइस फॉर पर्सनल पेटी इंटरेस्ट. उनको नेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने पर्सनल से है कि हमारी पार्टी पावर में आ जाए, चाहे जनता चाहे भाड़ में. Politicians lack code of conduct. They are above the laws of the land and constitutional directives. Policemen atrocities and brutalities are committed on the advice of the politicians. कि जो भी काम होता है, चाहे वो पुलिस वाले करते हैं या बीच के दलाल करते हैं या फिर कोई घुसखोर करते हैं, वो सब politicians के अंडर रहकर ही करते हैं. Lawlessness, scandals, non-democratic tendencies and indiscipline are on the increase in the society only because of the politicians. Okay, so this was my session and we will conclude it like Vimla Thakur writes, thoughts, ideologies, code of conduct and set of values. Psychology's pattern of behavior have failed in transforming man. And because of erosion of economic, social, cultural values, man is materialistic, frustrated and confused that he doesn't know the art of living with others and live peace and harmony. कि वो खुद ही भूल गए हैं, ऐसा गंदा एटमोसफियर हो गया है कि वो खुद ही भूल गए कि वो उनका अच्छी वैल्यूज़ क्या थी. ठीक है, तो ये था मेरा सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब जरूर करके जाना.